हेलो एवरीवन आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर टुडे आई विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज इम्पॉर्टें फॉर योर अपकमिंग जो कि कल आपका जो बी एड एंट्रेंस होने वाला है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फिफ्टी जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो की जो कि एक, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है बी के जो एंट्रेंस में आते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप यहाँ पर अपना आंसर भी टिक कर सकते हैं कि आपका रिविजन कितना हुआ है और साथ ही साथ आपका जो मतलब आपका मार्क्स कितना आएगा वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं okay? ओके तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन ए टीचर फील्ड ए टम्बल टम्बलर ऑफ जूस इच इन ए टॉल लीन ग्लास एंड इन ए शॉर्ट फेट ग्लास सी आक्स टू ए चाइल्ड टू आइडेंटिफाई द ग्लास विच हैड मोर जूस वाट डिट सी वॉन्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड सो वेदर दे कुड ड्रिंक टू ग्लासेस ऑफ जूस वेदर दे कुड एड लिक्विड क्वान्टिटीज वेदर दे कुड एस्टिमेट द नेचर ऑफ़ लिक्विड इन ए ग्लास वेदर दे अंडरस्टूड कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड तो यहाँ पे वो क्या समझाना चाहता है कि वो टीचर जो दो ग्लास में जो लीन ग्लास में जो आपका जो टम्बलर जूस डाल के क्या समझना चाहता है तो इसमें जो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेदर दे अंडरस्टैंड द कंजरवेशन ऑफ लिक्विड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्टिट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप बाय द सोसाइटी टू इम्पार्ट डेफिनेट नॉलेज इन ए स्पेसिफिक स्पेसिफाइड टाइम अंडर ए स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंटल एजेंसीज फॉर्मल एजेंसीज नॉन फॉर्मल एजेंसी इन फॉर्मल एजेंसीज सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल एजेंसी जैसे स्कूल कॉलेज ओके दे आर ऑल फॉर्मल एजेंसीज ओके याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंटेलिजेंट लर्नर इज व्च ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर टेकलिंग इन ऑर्डर टू टू क्लियर हिज़ पाथ तो सोशल स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी साइकोलॉजिकल बेरियर सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजिकल बेरियर ओके थ्री का कर आंसर होगा कौन सा साइकोलॉजिकल बेरियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीच ऑफ द फॉलोइंग टीचर इज यूजिंग बायस लैंग्वेज इन ए क्लासरूम Teacher C calls a student Scruffy, Scruffy because he is so thin and weak and looks emaciated. Teacher D calls a student by her middle name Williams because she forgets her, her name. Teacher B calls a student Youngest Khan because he is the youngest of the three, three brothers. A teacher A calls a student by his name Harish instead of Sharma because दे आर टू सरमाज इन क्लास। सो कौन सा जो एक जो टीचर का बायस लैंग्वेज का एग्जाम्पल है ओके okay? तो फोर्थ का जो कार्टेंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट क्या किया उसको थीम या वीक देख के बुलाया तो वो क्या है आपका बायस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सप्लेन द एम ऑफ ए डिडक्टिव क्लासरूम सेशन स्टूडेंट भेरी भेरी द थ्योरी एंड जर्नलाइजेशन प्रेजेंटेड टू हिम स्टूडेंट डिस्कवर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय इन स्टूडेंट्स डेवलप प्रोजेक्ट ऑन कंसर्न टॉपिक स्टूडेंट डेवलप कॉन्सेप्ट मैप सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन स्टूडेंट वेरीफाई थ्योरी एंड जनरलाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेड टू देम नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पिलर्स ऑफ एजुकेशन वेयर पुट फोर्थ बाय देर्स रिपोर्ट टू थ्री सेवन फोर सो सिक्स का जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर क्या होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन In a CB class, a teacher shows the student example of daily lives of great people in the form of a video citation from their lives. What do you think the teacher is aiming to entertaining them by showing videos and movies, model the behavior of great pupil through observation, passing time and keeping the student occupied through visuals, telling them about the historical fact. So seventh ka jo correct answer of option number B okay B is the correct answer. मॉडल द बिहेवियर ऑफ द ग्रेट थ्रो ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल टीचर्स कांग्रेस विद द थीम ऑफ लिप फ्रॉगिंग टू फ्यूचर रेडी हायर एजुकेशन इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन हेल्ड इन सो एट्थ का जो कि करेंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन उड़े क्या होगा उड़े नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ लर्निंग कॉल्ड विच यूजेस सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ थिंग्स टू बी लर्न सेंसरी लर्निंग कॉग्नेटिव लर्निंग भारबल लर्निंग मोटर लर्निंग जहाँ पे सेंसरी आपका एंगेज होता है उस लर्निंग को क्या कहते हैं आपका सेंसरी लर्निंग क्या कहा जाता है सेंसरी लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल एंड एफेक्टिव स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्वेश्चनिंग फॉर क्लैरिफिकेशन लर्निंग द एंसर बाय रूट मेमोरी सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चनिंग एंड क्लैरिफिकेशन क्या होगा क्वेश्चनिंग एंड क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following functions is a driving force to gain knowledge and change the behavior of the learner? Intelligence, motive, pre-economic status, creativity. So, 11th correct answer of option number B, motive. Okay. Motive is the correct answer. Next question. Who said that the very essence of education is concentration of mind rather than collecting of facts?

Due to learning identifying the difference between concept of fruits and vegetables blink our eyes on bright light removing the leg of being hurt by an object removing the hand on touching a hot object so 14th ka correct answer hoga, aapka option number a okay blink our eyes on bright light who amongst the following while referring to ultimate aim of education linked it to body mind and spirit Sri Aurobindo, स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद रविंद्रनाथ टेगोर सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन श्री औरबिंदो ओरोविंदो टेल दैट बॉडी एंड माइंड एंड स्परेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कम्स अंडर इंडक्टिव मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड नोट नोट टेकिंग मेथड लेक्चर मेथड इन बेस्ड लर्निंग सो सिक्सटींथ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन बेस्ड लर्निंग को क्या बोला जाता है इंडक्टिव लर्निंग फुल फॉर्म ऑफ एन सी आर टी एन सी आर टी का फुल फॉर्म क्या है इंपॉर्टेंट है नेशनल कमिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिव्यू ऑन ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेचरल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सो वेरी मच इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्या होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग इन ए क्लास विद स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिजियनल बैकग्राउंड सो इसका ऑप्शन देखिए यूजिंग सिंगल लैंग्वेज वाइल एक्सप्लेनिंग द कंटेंट यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट डिमांड हाई लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यूजिंग सिंपल लैंग्वेज विथ मल्टीलैंग्वेज मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन यूजिंग ए लोकल डायलेक्ट फॉर एक्सप्लेनिंग सो एटीन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओके सी इज द करेक्ट आंसर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज विथ मल्टी लिंग्वेल मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जोन ऑफ प्रोक्सीमेल डेवलपमेंट एंड द मोर नॉलेजेबल अदर इज द रिलेशनशिप बिट्वीन द Learners' difficult circumstances and their teachers' potential of the child and the facilitator who supports the learning, teacher and the child who has learning difficulties, average student and intelligent student. So, 19th ka correct answer hoga, aapka option number B. Okay, B is the correct answer potential of child and facilitator. 20 question Which of the following is the app launched by M uh, HRD Ministry that will be immense help? द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रतिबिंब परिवर्तन प्रशिक्षक पर्यावरण सो ट्वेंटी का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओके सी इज द करेक्ट आंसर परीक्षक नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टूडेंट कंटिन्यूअसली ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द टीचर ड्यूरिंग टीचिंग व्हाट कैन व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ बिहेवियर द स्टूडेंट wants to say in the class wants to play outside the class understand the what the teacher is teaching is unable to understand what is being taught so 21st ka jo ki correct answer ho ga option number d uh, is unable to understand what is being taught next question second language acquisition involves active and dynamic mental process it can be broadly grouped into three categories on learning strategies which of the following does not belong to this group कॉग्नेटिव स्ट्रैटेजी मेटाकॉन्ग्नेटिव स्ट्रेटेजी, एफेक्टिव स्ट्रेटेजी, एंटी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी सो ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। ए टीचर आक्स हर स्टूडेंट टू रीड ए पेसेज सी देन ऑब्जर्व देम एंड रिकॉर्ड हर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर रीडिंग स्किल सी देन गिव्स देम फीडबैक व्हाट विच फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज द टीचर फॉलोइंग रिसर्च सामेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट सीसी सो ट्वेंटी थ्री का करेंट आंसर होगा ऑप्शन सी इसको क्या बोला जाता है फॉर्मेटिव एसेस uh, जो कि असेसमेंट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक ट्रैक्स द एजुकेशन ऑफ एन इमेजिनरी स्टूडेंट वाइल एडवोकेटिंग दैट ऑल एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस कॉन्फेशंस डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एम सो ट्वेंटी फाइव का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम ओके एम वाट एमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द एरिया फोकस ऑफ आर एम एस ए स्कीम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड नाइन मोनिटरिंग देंस एडारेंस ऑफ टू आर टी आई अचीविंग द टारगेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डेवलपिंग हायर एजुकेशन इम्प्रूविंग एक्सेस क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सो ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओके इंप्रूविंग द एस एस एंड क्वालिटी ऑफ सैकंड्री एजुकेशन डी इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी सेवेन्न वाट इज द नेम ऑफ इंडिया लैंग्वेज प्लेटफॉर्म लॉन्च बै सी आई एल मैसूर टू पब्ल कंटेंट इन वन ट्वेंटी वन लैंग्वेजेस एंड होस्ट ऑनलाइन क्लासेस सो ट्वेंटी सेवेन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओके भारतवाणी द मेटल मॉडल्स क्रिएटेड इन द हेड एज एन रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज टर्मड एज ए स्कीमिंग शॉर्टिंग स्कीम स्ट्रक्चर सो ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कीमा स्कीमा ओके विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रियट वे टू इन्हैंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन ए क्लासरूम इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिव क्लासरूम सेशंस अलाउिंग द स्टूडेंट टू स्टडी ऑन दियर ओन इन द क्लास एंड एंड एट होम यूजिंग ए वन वे लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग आस्किंग स्टूडेंट टू सीट एंड मेक नोट्स एंड लेटर स्टडी एट होम सो ट्वेंटी नाइन का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए

which of the following is the most appropriate solution to deal with the short attention span of students students should sleep well at home to increase attention span the subject plan should be changed periodically the teacher should take continuous sessions without granting break to the students teacher should divide the content into স্মলাৰ পাৰ্ট এণ্ড ট ট ট ট টেক স্মল ব্ৰেক এ ফট ডুৰিং এ লংগ ক্লছ চেক্ট আগ অপশন নম্বৰ ডি অ'কে টিচৰ শু ডিভাইড দ কণ্টেণ্ট ইন টু স্মাৰ পাৰ্ট এণ্ড টেক স্ম ব্ৰেক অফ ফটে নেক্সট কোচন থাৰ্টি থ্ৰী কোচন কণ্টেণ্ট দেট ইজ প্ৰেজেণ্টেড টু ষ্টুডেণ্ট জেনলি এৰেঞ্জ ইন টৰ্মছ অফ কেটেগিৰিজ কেগৰিজ কেন বিফাইণ্ড এজ এ গ্ৰুপ অফ অব্জেক্ট ডিফৰণ্ট ফিচৰ এণ্ড দ ফংকশন্স ফংশন্স ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसिलिंग ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवालुएशन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स एंड ए फंक्शंस सो थर्टी थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच डिफरेंट फीचर एंड फंक्शंस थर्टी फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन बी क्लासिफाइड एज ए लर्निंग इन ए क्लासरूम टेम्पोरारी चेंज ड्यू टू मेचुरेशन

सो थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओके बेसिक एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग कारिकुलम पेरेंट टीचर स्टूडेंट सो थर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओके ऑप्शन नंबर ए कारिकुलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द डिफरेंट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सामेटिव असेसमेंट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ऑरल टेस्ट सपोर्टिंग लर्निंग बट ए सामेटिव असेसमेंट इज ए रिटन टेस्ट ए सामेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू टेस्ट मास्टरी ऑफ कंटेंट बट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट्स लर्निंग ए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए ईयरली टेस्ट बट सामेटिव असेसमेंट इज ए मंथली टेस्ट ए सामेटिव असेसमेंट इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट एंड एडरेंस टू स्टैंडर्ड बट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए क्लासरूम टेस्टिंग सो थर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ज नॉलेज कॉम्प्रिंशन एप्लीकेशन एनालिस एंड इवालएशन दिस इज ऑल्सो इमेंट आप याद रखिएगा यह छह कैटेगरी जो है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू विच कैटेगरी डॉलोइंग टास्क बिलोंग टू कंपेयरिंग टू डिट ग्राफ्स एंड टेलिंग वेदर चिल्ड्रेन ऑफ द इनर

वो साइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसीज एंड ऑफ री इन्फोर्समेंट प्लेटो एलन रियान मोरिशन बुरोज फेडरिक तो फोर्टी का करेक्ट आंसर होगा आपका जो कि इंपॉर्टेंट है डी ओके बुरोज फेडरिक स्किनर वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ डिटरमाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन देअर आर्लियर वर्क कॉन्फर्मेटिव असेसमेंट नॉर्मेटिव असेसमेंट लेफ स्टिप असेसमेंट सामेटिप असेसमेंट सो फोर्टी वन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओके ओकेट असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन गांधी जी इन्वेज दैट बेसिक एजुकेशन शुड बी कैटर टू द नीड्स ऑफ ए होल पर्सोनिटी दैट इज ए नेशनल स्पिरिट एंड सेंस ऑफ एसिटी हैड हार्ट एंड हैंड कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस रीडिंग राइटिंग एंड एथमेटिक्स सो फोर्टी सेकेंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओके हेड हार्ट एंड हैंड Forty-third question. CSIR is an organization of a central government which was formed by approval of Central Legislative Assembly in the year 1942. What does CSIR stand for? The Council of Scientific and Industrial Research. The Commission of Scientific and Industrial Research. The Community of Scientific and Industrial Research. The Committee of Scientific and Industrial Research. So 43 correct answer option number A, the Council of Scientific and Industrial Research. Forty-fourth question process of interpreting the in encoded message from the sender is referred to as a booking decoding submitting encoding so 44 ka correct answer hoga, option number b b is the correct answer decoding the teacher is trying to train his student in muscular coordination which of the following types of learning should be appropriate so 45 ka correct answer hoga, 45 ka correct answer, option number c okay motor learning नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट हैज मोर देन माइक्रोसॉफॉट गवर्नमेंट स्कूल टीचर विद आई टी स्किल्स अंडर हुई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शिक्षा प्रोजेक्ट समसिद्धा प्रोजेक्ट सरन प्रोजेक्ट समृद्धि सो का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन प्रोजेक्ट शिक्षा फोर्टी सेवन क्वेश्चन द मेटेरियल टू बी लर्न मेनिपुलेटिंग द मेटेरियल मेंटली और फिजिकली और अप्लाइंग ए स्पेसिफिक टेक्निक टू ए लर्निंग टास्क identify the techniques from the following so 47 ka correct answer Aapka resourcing reaction retesting reform correct answer option number one resourcing next question an intelligent student is confused about the process of achieve, achieving his target what is the following is the right action to be teacher ask the student to cons consult a counselor ask the student to change his target ask the student to set goals and objective to achieve the target आस्क द स्टूडेंट टू हिज पेरेंट्स एंड हेल्प नॉट वर्किंग ऑन द टारगेट सो फोर्टी एट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट टू सेट गोल फॉर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट फॉर सेफ गार्ड एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ ए वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन कम्युनिटी विच आर द फॉलोइंगशन आर्टिकल फोर्टी फाइव जो कि हमारे डी पी एस पी में है आर्टिकल फोर्टी फाइव कहाँ पर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है और डी पी एस पी जो कि कहाँ से लाया गया है आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जी वही सवाल है याद रखिएगा एक्ट ऑफ सेफ गार्ड द एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी एक्ट फॉर सेकुलर एजुकेशन एक्ट फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉर एंड एजुकेशन काफ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एज वन ऑफ द की थीम प्रेगमेटिज्म रियलिज्म आइडलिज्म एग्जिस्टलिज्म सो फिफ्टी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एग्जिस्टलिज्म ओके लास्ट क्वेश्चन वो एमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग बी एफ स्किनर आईवन पेवलॉप एल्बर्ट बंदूरा जिन पियाजे सो फिफ्टी वन का सी करेक्ट आंसर होगा अल्बर्ट बंदूरा सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम ओके थैंक यू